छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द किसको कहते हैं और तद्भव शब्द किसको कहते हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो के द्वारा हम लेने वाले हैं। तो देखिए, तत्सम का अर्थ क्या है और तद्भव का अर्थ क्या है, वो शब्द अलग अलग कैसे पहचाने जाते हैं, इसकी जानकारी हम लेते हैं। चलो, तत्सम का अर्थ देखो। तत् यानी उसके, तत् का अर्थ क्या है, उसके, और सम यानी समान, उसके समान। इसका अर्थ हुआ, तत्सम का अर्थ हुआ उसके समान। किसके समान? तो एक भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा का जो शब्द है वो जैसा का वैसा हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है, उसको तत्सम कहा जाता है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का जो शब्द है वो हिंदी में जैसा का वैसा प्रयोग किया जाता है, उसे ही तत्सम शब्द कहा जाता है। तो देखिए, उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। अब देखिए तद्भव, तद्भव में क्या होता है, देखिए तद यानी उससे, तद यानी उससे, और भव यानी होना, उससे होना, मतलब किससे? संस्कृत का जो शब्द है उसमें परिवर्तन होकर वो हिंदी में प्रयोग किया जाता है, मतलब संस्कृत का जो शब्द है उसमें पूरा का पूरा परिवर्तन होता है और वही शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे ही तद्भव शब्द कहा जाता है। अब देखिए, अग्नि जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और आग शब्द है वो का तद्भव का शब्द है। तो अग्नि यह संस्कृत शब्द हुआ और हिंदी उसमें परिवर्तन होकर, उसमें अग्नि शब्द में परिवर्तन होकर वो हिंदी में क्या बना, आग शब्द बना। तो ऐसे ही शब्द और हम देखने वाले हैं, उसमें हम तत्सम शब्द की पहचान और तद्भव शब्द की पहचान करने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण दिए हैं, तो हम देखते हैं कि तत्सम शब्द की पहचान कैसे करते हैं और तद्भव शब्द की पहचान कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं यह उदाहरण। यहाँ पर तत्सम शब्द है और यहाँ पर तद्भव शब्द है, यहाँ पर भी तत्सम शब्द है और इसके परिवर्तित रूप तद्भव के यहाँ पर दिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर तत्सम शब्द क्या है, अग्नि। क्या शब्द है? अग्नि। तो यहाँ पर तद्भव में आग हुआ है, यह हिंदी का शब्द है। हिंदी में अग्नि शब्द में परिवर्तन होकर यह आग शब्द बना है, इसका प्रयोग हिंदी शब्द के लिए किया जाता है। यह संस्कृत का शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है हिंदी में, है ना, आप इसका भी इस्तेमाल करते हैं और यह तद्भव शब्दों का भी हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यह है अग्नि, यहाँ पर आग। तत्सम शब्द है अग्नि, तद्भव शब्द है आग। तत्सम शब्द है आम्र, यहाँ पर देखिए आम्र शब्द है, तो यहाँ पर परिवर्तन होकर वह आम शब्द बना है, तो ये हुआ तद्भव शब्द। यहाँ पर देखिए, जो र का रूप लगाया है यहाँ पर म के नीचे, म पर जो र का रूप लगाया है यह आम्र, यह संस्कृत में ही पाया जाता है। ये जो र के रूप है उससे हमें पहचानने के लिए आसान होता है। तो यहाँ पर देखिए, र का रूप लगाया है, तो ऐसे शब्द हमें संस्कृत शब्दों में ही हमें दिखाई देते हैं आम्र, तो इससे पहचानना बहुत आसान होता है कि संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम शब्द है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आम जो शब्द है वो तद्भव का शब्द है। यहाँ तत्सम में कर्ण शब्द है, क्या है, कर्ण, यहाँ भी र का रूप लगाया है ऊपर रेफ, न के ऊपर र का रूप है, इसलिए यह क्या है, तत्सम शब्द है, यह है तत्सम शब्द में आता है। यह र का रूप सिर्फ तत्सम शब्दों में ही लगता है, यह ध्यान में रखो। देखो, कर्ण है, यहाँ तत्सम शब्द है, इसका बना, इसमें परिवर्तन होकर तद्भव शब्दों में क्या है, कान शब्द है, इसका भी प्रयोग हिंदी में किया जाता है और इसका भी प्रयोग हिंदी में किया जाता है। सिर्फ हमें पहचानना है कि वो तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। देखिए, अभी कर्म शब्द है, तो म के ऊपर रेफ है ना, तो म के ऊपर रेफ है यानी ये कौन सा है, तत्सम शब्द है। और यहाँ पर देखिए, काम शब्द हुआ है, कर्म का तद्भव शब्द क्या हुआ, काम। तत्सम में क्षेत्र शब्द है, ये जो त्र है यहाँ पर, ये कहाँ दिखाई देता है हमें,
तत्सम शब्दों में ही दिखाई देता है। तो इससे इनकी पहचान करना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर र का रूप लगा है इसलिए यह संस्कृत शब्द है, यहाँ भी र का रूप लगा है इसलिए यह संस्कृत शब्द है, यहाँ भी ये र का रूप है इसलिए यह भी तत्सम शब्द है, और यहाँ पर त्र आया है और त्र किधर हमें मिलता है, तत्सम शब्दों में ही मिलता है। तो देखिए क्षेत्र का क्या होता है, खेत, यहाँ श का ख हुआ और इस त्र का त के रूप में बदल गया है, इसलिए ये सभी तद्भव शब्द और ये तत्सम शब्द। अब यहाँ पर देखिए तत्सम शब्दों में निद्रा शब्द है, क्या शब्द है, निद्रा। अब यहाँ पर देख सकते हो द के नीचे र का रूप लगा हुआ है, द को ही र का रूप लगा हुआ है इसलिए निद्रा शब्द तत्सम में आता है। यहाँ पर नींद शब्द है, तद्भव का शब्द है, इसमें आपको र का रूप ऐसे नीचे लगा हुआ नजर नहीं आएगा, यह एक बहुत बड़ी पहचान है तत्सम शब्दों की। देखो पत्र शब्द है, अब ये कौन सा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा, क्योंकि यहाँ पर त्र आया है और त्र जिनमें आता है वो कौन सा शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है। यहाँ पर देखो पत्ता, पत्र का बनता है पत्ता, तद्भव शब्द क्या बनता है, पत्ता। यहाँ देखो प, इसमें तो कोई पहचानने की कोई चीज नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पद यह तत्सम शब्द है और पैर यह शब्द तद्भव शब्द है। यहाँ देखो मास यानी महीना, मास यह शब्द है तत्सम शब्द है, यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद माह, मास यह संस्कृत का शब्द है, जैसे का वैसा यहाँ पर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इसलिए मास यह शब्द तत्सम शब्द है, और इसमें बदल होकर माह शब्द क्या बनता है, माह शब्द बनता है और ये तद्भव का शब्द है। यहाँ देखिए मुख शब्द है, अब देखो मुख शब्द है यह तत्सम शब्द है, तत्सम यानी संस्कृत का शब्द, जैसे कि वैसा हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको तत्सम शब्द कहा जाता है, और इसमें परिवर्तन होकर यहाँ पर मुंह शब्द बना है। देखो चंद्रबिंदु यह आपको इधर नहीं दिखेगा, यह चंद्रबिंदु वाले शब्द आपको इधर नहीं दिखेंगे, ये तद्भव के रूप होते हैं, ये जो म के ऊपर चंद्रबिंदु है वो आपको तद्भव शब्दों में ही नजर आएंगे। तो एक ये तद्भव शब्द शब्द को पहचानने की आसान तरीका है, देखो मुंह शब्द है तद्भव शब्द है, ऐसे ही और शब्द हम देखने वाले हैं। देखिए बच्चों और शब्द यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए हमने जाना कि रू की मात्रा अगर हो तो वो तत्सम शब्द होता है, र की र का रूप हो शब्दों में तो वो तत्सम शब्द होता है। तो देखिए यहाँ भी कोई ऐसे रू की मात्रा वाले शब्द है, गृह, गृह शब्द है तो इसका तद्भव बनता है घर, तद्भव शब्द घर, तत्सम शब्द क्या है, संस्कृत शब्द क्या है, गृह, तो गृह का बनता है तद्भव शब्द घर। यहाँ भी देखो गौ शब्द है, यह आपको ध्यान में रखना होगा, गौ शब्द तत्सम में आता है और इसका तद्भव बनता है गाय, इसका हम इस्तेमाल हिंदी में करते हैं। दंत शब्द है, दंत शब्द है तो यहाँ पर देखो तद्भव में अनुनासिक लगा है, यहाँ पर अनुनासिक चिन्ह लगा है, यहाँ पर देखो चंद्रबिंदु लगा हुआ है इसलिए यह तद्भव शब्द ही आते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द पहचानो, अगर आपको बोला जाएगा और ऐसे है तो आप झट से उसे क्या कहेंगे, तद्भव शब्द ही कहेंगे, इसके ऊपर अगर चंद्रबिंदु हो तो तद्भव शब्द में ही आते हैं। देखिए दिवस शब्द है उसका बनता है दिन, यहाँ पर दही शब्द है इसका बनता है दही, ये दिन दही यह हिंदी के शब्द है जो परिवर्तन संस्कृत में परिवर्तन होके आए हैं। देखो तत्सम शब्द है रात्रि, रात्रि का बनता है रात, अब यहाँ भी त्र आया है तो त्र किसमें पाया जाता है, तत्सम शब्दों में पाया जाता है, रात्रि का बनता है रात। सर्प यह तत्सम शब्द है तो इसका बनता है शाम, क्या बनेगा, शाम शब्द बनेगा। सूर्य, सूर्य का बनेगा सूरज, यहाँ हस्त शब्द है, हस्त शब्द का हाथ शब्द बनेगा। यहाँ तृण शब्द है जो तत्सम में इस्तेमाल किया जाता है, तत्सम शब्द है ये तृण, यहाँ रू की मात्रा लगी है और ये इसका बनता है तिनका, हिंदी में प्रयोग होता है तिनका। तो ऐसे हमने तत्सम और तद्भव शब्द
देखिए इसको आपको पढ़ना है, आपके नोटबुक में लिखना है और इसका पठन करना है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान, इसको आपको अपने नोटबुक में लिख कर लेना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान।